नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। भारत ने स्वदेशी पृथ्वी 2 मिसाइल का किया सफल परीक्षण, 350 किलोमीटर दूर तक दुश्मन पर करेगा वार। गुजरात के ओएनजीसी के गैस प्लांट में भीषण आग। केंद्रीय मंत्री सुरेश अंगड़ी का कोरोना से निधन। कैक की रिपोर्ट, दसॉल्ट और एमबीडीए ने पूरा नहीं किया ऑफसेट करार। भारत बांग्लादेश सीमा पर मवेशियों की तस्करी में बीएसएफ अधिकारी समेत 3 लोगों पर केस दर्ज। हार्दिक पटेल की जमानत शर्त में छूट वाली याचिका का गुजरात सरकार ने विरोध किया। पश्चिम बंगाल में भाजपा को बड़ा झटका, 3 भाजपा नेता तृणमूल में शामिल। विश्व भारती विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया मामला। पुलवामा हमले के बाद कर बढ़ोतरी में प्रभावित व्यापारियों को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। केंद्र सरकार ने कहा कि आयुष्मान योजना में 1,26,00,000 लोग अस्पतालों में भर्ती हुए। एनजीओ के रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड देना होगा अनिवार्य, राज्यसभा से पारित हुआ बिल। चीन से तनाव के बीच हिंद महासागर में भारत अमेरिका के नौसेनाओं ने दिखाई ताकत। भारी बारिश के बाद भूस्खलनों से पश्चिम बंगाल सिक्किम को जोड़ने वाला राजमार्ग हुआ बंद। सीपीसीबी ने कहा कि कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण वायु गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ। चुनाव आयोग ने कहा कि शरद पवार को नोटिस जारी करने के लिए सीपीडीटी को कोई निर्देश नहीं दिया। मराठा समाज ने 10 अक्टूबर को दी महाराष्ट्र बंद की चेतावनी। महाराष्ट्र सरकार को हटाकर राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका। पीएम मोदी शनिवार को करेंगे श्रीलंकाई पीएम के साथ द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन। सूरत की 17 वर्षीय खुशी को यूएनईपी ने बनाया भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत। बनारस की फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी होगी राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट। द्विपक्षीय अनुबंध निपटारे को कानूनी आधार मुहैया कराने वाला विधेयक संसद से पास, वित्त मंत्री ने जताई खुशी। सीआईआई के मुताबिक संसद में पास हुए श्रम सुधार कानून से रोजगार सृजन में मदद मिलेगी। MI-17 हेलीकॉप्टरों की उन्नयन में देरी पर कैग ने की रक्षा मंत्रालय की खिंचाई। राणा सफवी को यमीन हजारिका पुरस्कार, भारतीय संस्कृति में उनके योगदान के लिए दिया सम्मान। कोरोना महामारी के कारण पहली तिमाही में 90% घटी लगेज उद्योग की बिक्री।